हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टडी गाइड। तो दोस्तों, चैनल स्टडी गाइड में फिर आप सभी का एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, इतना सारा जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है उन लोगों का, उनका जो सॉल्व चल रहा है, ठीक है, तो पावर ग्रिड का एक ईस्टर्न रीजन वन का जो 13 तारीख का जो शिफ्ट हुआ था, उसका शिफ्ट टू मतलब सेकेंड शिफ्ट का मतलब 12:30 से 2:30 बजे का जो शिफ्ट था, उसका क्वेश्चन पेपर तो हमें मिल गया है और उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व चल रहा है। बाकी फर्स्ट शिफ्ट का और थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर अभी तक नहीं मिला है। अगर हमारे ईमेल आईडी पे वो उस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे तो वो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो और कुछ कुछ बच्चे बोल रहे थे कि इसको और दूसरा लैंग्वेज पे डाल दो, ठीक है, हम डाल देंगे, कोशिश करेंगे कि दूसरा लैंग्वेज पे डाल दिया जाए कल तक, ठीक है, और जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर दिया जाए। और नेक्स्ट जो है ये रहा एक, और क्या बोल रहे थे, हाँ, पहले हम इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट जो हो रहा है उसमें हम इजी क्वेश्चन कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा आहिस्ता टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम इस सेशन में देख लेंगे फिर और 5 क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा टफ, ठीक है। क्वेश्चन पेपर इतना तो टफ नहीं रहा, बस देखो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है उसमें आपका बहुत सारा नॉलेज का ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है, कुछ ट्रिक का भी ज़रूरी होता है, तो वो ट्रिक आपको सीखना है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना तो ट्रिक सीखना है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया, डैश इज द मेथड ऑफ ब्रेकिंग मोटर आर्मेचर रिमेंस कनेक्टेड टू द सप्लाई। तो इसमें ब्रेकिंग का मेथड पूछा गया है। अभी देखो रीजनरेटिव प्लगिंग और रियोस्टेटिक ब्रेकिंग ही होता है, एडी करंट ब्रेकिंग नहीं होता डीसी मशीन में, तो इसको हम यहाँ पर क्रॉस कर दे सकते हैं, ठीक है, एक ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया। आर्मेचर रिमेंस कनेक्टेड टू द सप्लाई एंड ड्रॉज पावर फ्रॉम इट प्रोड्यूसिंग टॉर्क ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। बोला क्या गया है कि आर्मेचर जो है कनेक्टेड टू द सप्लाई, रियोस्टेटिक ब्रेकिंग जो है, रियोस्टेटिक ब्रेकिंग में आर्मेचर सप्लाई से ओपन किया जाता है, आर्मेचर को सप्लाई से ओपन किया जाता है, मतलब ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, ठीक है, दोनों ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर लिया यहाँ पर। अब बचा हमारा दो क्वेश्चन, ठीक है, दो ऑप्शन और उसमें है रीजनरेटिव ब्रेकिंग और प्लगिंग। तो नेक्स्ट यहाँ पर एक थोड़ा सा और एक ट्रिक है, देखो ड्रॉस पावर फ्रॉम इट, मतलब ये क्या करता है, सप्लाई से पावर ड्रॉ करता है, ठीक है, सप्लाई से क्या करता है, पावर ड्रॉ करता है, अच्छे से समझना। तो यहाँ पर हम एक चीज़ बता सकते हैं कि देखो रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो होता है उसमें क्या करता है, पावर तो देता है, तो पावर अगर देता है तो नहीं हो सकता, रीजनरेटिव ब्रेकिंग नहीं हो सकता, तो हो गया 3 क्रॉस, तो बस प्लगिंग आंसर होगा, ठीक है। देखो नॉलेज नहीं, ट्रिक से हमने किया, एग्जाम हॉल में बैठकर हमने ट्रिक सोचा, एडी करंट नहीं हो सकता, रियोस्टेटिक क्यों नहीं हो सकता, रीजनरेटिव क्यों नहीं हो सकता, ये दिन हमें सोचा क्योंकि पावर ड्रॉ कर रहा है और प्लगिंग में पावर ड्रॉ नहीं किया जाता, ये आर्मेचर से कनेक्टेड है, रियोस्टेटिक में कनेक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है, तो प्लगिंग में होता है क्या, इसको कनेक्ट किया जाता है और आर्मेचर इज कनेक्टेड सप्लाई एंड ड्रॉस पावर फ्रॉम इट, और फ्रॉम इट तो प्लगिंग में ही होता है, रीजनरेटिव में वो देता है, तो हो गया ये वाला ख़त्म। नेक्स्ट क्या बोला गया है, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास्ट अ गिवन पॉइंट इज नोन एज टाइम रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्यू, ठीक है, तो क्यू का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी क्यू बाई डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट, इसको हम बोलते हैं करंट, इसको हम क्या बोलते हैं, आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, इसको हम करंट बोलते हैं, ठीक है, तो हो गया सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, उस क्वेश्चन का ही एक एप्लीकेशन है, ठीक है, क्वेश्चन में ही आपका आंसर है, बस आपका दिमाग खोल ही रहना ज़रूरी है। तो क्यू इक्वल्स टू 10t कूलम्ब, ओके, सो डी क्यू, सो हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है डी क्यू बाई डी टी, बस वह से आई आ जाएगा, तो ये रहा आई विच इम्प्लाइज डी क्यू बाई डी टी, एंड 10t को अगर डेरिवेटिव किया जाए तो कितना होता है 10, तो आई इक्वल्स टू 10 एम्पियर, ठीक है, आई इक्वल्स टू 10 एम्पियर, बस सिंपल सा है, क्यू इक्वल्स टू 10t मतलब आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी दैट इज 10 एम्पियर, ठीक है, जस्ट डेरिवेटिव होगा। डिटरमाइन द कंडक्टेंस ऑफ द शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ 500 एम्पियर, ठीक है, तो कंडक्टेंस पूछा गया है, तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जी, ठीक है, जी इक्वल्स टू आई अपॉन वी, सिंपल सा,
आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू डिटरमिन द कंडक्टर्स ऑफ द शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ 500 एम्पियर। क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज था, तो क्वेश्चन को ठीक कर लिया जाए। तो डिटरमाइन द कंडक्टेंस ऑफ अ शॉर्ट सर्किट ऑन 120 वोल्ट करंट ऑफ 500 एम्पियर, ठीक है। तो फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा। आई दैट इज इक्वल्स टू, सॉरी कंडक्टेंस इज जी, जी इक्वल्स टू आई अपन वी। ओके, आई कितना होता है, आई होता है 120 वोल्ट, और आई कितना है, सॉरी आई 500 एम्पियर है यहाँ पर। ठीक है, 500 एम्पियर, वी इक्वल्स टू 120 वोल्ट, वी इक्वल्स टू 120 वोल्ट। बस 0 0 एलिमिनेट कर दो। 50 डिवाइडेड बाय 12 कैसे करना है, 4 × 12 48। ओके, 4 × 12 48, 20, 12 × 1 12, 80, 5 × 12 60, 7 × 12 7 × 12 72। ओके, 5 × 12 60, 6 × 12 72, सो 4.16। और कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, मो, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, एक मिनट, इस डिजिटल के पेन का थोड़ा ये वाला, और इसको हम क्या कहते हैं, सीमेंस। तो ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन 4 होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम आसान सा सवाल, आसान, जो हमने जो जितने भी क्वेश्चन अभी तक डिस्कस किए, देखो ये आसान सा सवाल है, ऐसे मत बोलो कि टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन पेपर है, एकदम आसान सा सवाल है, बस कंसेप्चुअल पेपर है, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पर, हम 10 9 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, और इस सेशन का, इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन होंगे। तो कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी इस वीडियो को, इस क्वेश्चन पेपर को पूरा कल तक इसको पूरा सॉल्व कर दिया जाए, और भी सारे लैंग्वेज पे लेके आया जाए, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। पावर पीटी, फाइंड द पावर सप्लाइड बाय द एलिमेंट व्हेन द वीटी इक्वल्स टू इतना और आईटी इक्वल्स टू इतना, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर इक्वल्स टू वीआई, ये तो आप लोगों को मालूम ही है, इसमें तो कोई टफ नहीं है ना, कुछ तो टफ नहीं है पावर का फॉर्मूला में। वी का मतलब कितना होता है, 4 cos 3t, वी का मतलब होता है, और आई टी का मतलब क्या था है, 1/12 sin 3t, ठीक है, हो गया। तो ये रहा वी इंटू आई, मल्टीप्लाई कर दिए, 4 × 12 1/3, तो इसका हम इसे लिख सकते हैं 1/3 इंटू साइन 3t इंटू कॉस 3t, ठीक है, लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, सिंपल सा, वन बाई थ्री था, अभी 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin 2a, ठीक है, ट्रिकोनोमेट्री का फॉर्मूला है 2 sin 60, 3 × 2 के मतलब क्या होता है, 1/6, तो आंसर आ गया 1/6 sin 60। इस प्रॉब्लम को करने के लिए आपका 20 से 25 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो 20 से 25 सेकंड का ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं, तो 10 क्वेश्चन हो गया, वो टोटल है 120 का टेक्निकल क्वेश्चन और नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूरा हम डिस्कस कर देंगे। तो पहले टेक्निकल क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, बाद में नॉन टेक्निकल को कर देंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आसान से टफ सवाल से, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप लेके आया जाए, ठीक है, पहले हम टफ सवाल कर दिए ऐसा नहीं होता है, आसान से टफ सवाल के तरफ जाएंगे और दूसरा लैंग्वेज में भी डालने के लिए कोशिश करेंगे, अगर टाइम मिल जाएगा तो, ठीक है, टाइम तो बहुत कम है, कल तक तो ये वीडियो कंप्लीट ही करना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड जो लोग हमारे वीडियो देख रहे हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, तो जब, क्योंकि जब भी आपको
नया अपडेट और नया वीडियो डाल देंगे, तो उसमें आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, थैंक यू।